से मुझे लगा कि टबू से गरा सकते हैं, तो सडनली मेरा एक्साइटमेंट हो गया। wow. तो मैंने उसका सेक्स चेंज कर दिया, कैरेक्टर का, क्या जेंडर चेंज कर दिया। क्या बात है, आपने मतलब इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस आपके दिमाग में आया, आपने कहा नहीं ये टबू मैम जो है वही करनी चाहिए, तो आपने एक्चुअली आई फाइंड ए रीजन टू वर्क विद टबू, तो मुझे या कोई भी या तो मेरे लिए कोई भी फिल्म बनाने का मतलब है कि मैं टबू को उसमें कैसे लेके आऊं। वाओ क्या बात मैम, आपका क्या कहना है, कोई हो सकता है क्या किसी एक्टर के लिए? क्या बात है, इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। एंड ऑन दैट नोट, कैन वी नो अ लिटिल मोर अबाउट कृष्णा मेहरा, द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? सो I mean, professionally, she works in counter espionage unit. But I think the person she is far more layered and interesting and all that. And I think there's a strange and weird parallel between what she's doing and what her life is and who she's being. So I think aapko film dekhne ke baad samajh mein aayega ke how all these things intertwine. Yeah. Wow. And Vishal sir, what made you tell this story in particular? Yeah, I think हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हम जो जो फिल्में हमने बनाई हैं उसमें जब भी एस्पियनाज जॉनर आता है तो वो उसमें स्पाई थ्रिलर और एस्पियनाज जॉनर ये दोनों मिल जाते हैं, और एसेसिन उसमें स्पाई के ऊपर एसेसिन आ जाता है, जो कि बॉन्ड या यू नो उस तरह की फिल्में या बॉन्ड आइडेंटिटी उस तरह का, या अभी ग्रे मैन जैसे जिस तरह से आई, तो मुझे लगा वो स्लो बर्निंग जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जिंदगी होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं आना होता है, एकदम साए में रहना होता है, शेड में रहना होता है, वो मेरे लिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग था। और हमारी R&DW जो हमारी एजेंसी है वो ओवर सीक्रेटिव है पब्लिकली आने के लिए, आप बाहर का अगर देखें हम लोग FBI या CIA उन सबकी स्टोरीज या उनके जो जो वर्किंग पैटर्न है उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हमारे यहाँ बहुत सीक्रेटिव है। और ये जब नॉवल मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत यूनिक लगा, इट मेक्स यू सिट इन R&DW ऑफिस व्हेन यू रीड दिस, द डिटेलिंग इज सो ब्यूटीफुल ड्रामेटिकली, बिकॉज उसमें ये इट्स बेस्ड ऑन ए रियल केस व्हिच हैपेंड इन 2004 R&W had a moon in their office. So ये उस डिटेलिंग जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी वो मेरे लिए, और उसको एक फिल्म में लेके आना, उसको ड्रामा उसके अंदर क्रिएट करना, उसमें कितना फिक्शन है कितना रियल है ये आपको देखने के बाद अंदाज़ा नहीं लगे, तो वो मेरी कोशिश थी और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। क्या बात है, लेकिन मैं तबू मैम आपसे सीखना चाहता हूँ, ख कैसे कहा जाता है, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस कहते हैं ना वो, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपकी प्रोनंसिएशन इतनी कमाल की है जब आप डायलॉग डिलीवरी कर रही होती है, तो कैसे ख बोला जाता है, कैसे बोला जाता है प्लीज? खुफिया, खुफिया, खत्म, क्या बात है, खत्म, खाली, आपने खुफिया बोला, मैं तो खत्म हो ही गया, इतने प्यार से आपने मेरी कही, किस्मत, पहली बार किसी ने मुझे खुफिया बोला और मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन और ये है ना करेक्ट करने के लिए डबिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, तब वो नुक्ते का ख्याल रख लेना बस, वाह सर को भी बहुत ज्यादा होता है ना परफेक्शन का जो गुलजार साहब और इनके साथ काम करना, मतलब नुक्ते संभालो भाई अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपके पास एक फिल्म की स्क्रिप्ट आती है ना, तो क्या होता है, क्या ऐसी चीज आप स्क्रिप्ट में देखती है या पढ़ती है, और पढ़ते आपको लगता है दिस इज द रोल फॉर मी, मैं ये करना चाहती हूँ? विशाल जी की हर स्क्रिप्ट पढ़ के यही लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है और आई थिंक हमेशा ऐसा ही होगा, ये जो स्क्रिप्ट लिखेंगे मुझे ही सोच के लिखेंगे, मेरे लिए ही लिखेंगे, कोई और एक्टर्स करे वो अलग बात है, लेकिन लिखी तो मेरे लिए जाएगी क्या बात है, ये भी अच्छी बात है, बड़े ही प्यार से जो अभी धमकी दी है विशाल सर को, लेकिन ये ऐसा ही रहे, आई थिंक ये जो एक आप दोनों का रिश्ता है जो इसके कारण जो हमें एज एन ऑडियंस जो कमाल की फिल्में देखने को मिलती है, अदाकारी देखने को मिलती है, डायरेक्शन देखने को मिलती है, आई थिंक वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आप देखिए मौका मिला है विशाल सर, हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे, मलिक और मैं अभी बैठ के पीछे बात ही कर रहे थे कि यही मौका है आज नेटफ्लिक्स के इस माध्यम के जरिए, हम चाहते हैं कि आप जब भी चाहें हमें जब भी फिल्म देनी हो प्लीज फील फ्री,
आप कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं. मैं नुक्ता और नुक्ता चीनी दोनों का ख्याल रखूंगा सर. जी हाँ प्लीज, तो ये मौका हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, तुम भाई के अलावा भी रोल करोगे ना? जी हाँ बिल्कुल. अरे क्या बात है सर, मलिका का तो मैं फैन हूँ, मैं फॉलो करता हूँ उसे. मलिका और शंकर का नाम है. कितना अच्छी हो तुम मलिका, कितना बढ़िया तुम टांग खींचती हो इंस्टाग्राम पर लोगों की. क्या बात है यार, ये तो मतलब कमाल की. लेकिन अगर मैं सर आपसे बात करूँ, आप खास तौर पे क्या चीजें देखते हैं जब आपको अट्रैक्ट करते हैं कि इसे पर्दे पे लाना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें एकदम से याद आती हैं आपको जो आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा? कहानी की बात कर रहे हैं? कहानी सर, कहानी. आई थिंक वो कहानी पढ़ते हुए एक्चुअली पता लग जाता है, बिकॉज ये प्रोसेस जो हमारा फिल्म मेकिंग का, ये इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आपका कमिटमेंट जो 1.5-2 साल के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं होता है, तो वो उस कमिटमेंट में जाने से पहले बड़ा डर लगता है. तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि आई वेट फॉर दैट यू नो थिंग टू अराइव फ्रॉम विद इन मी, कि वो पता चलता है कि हाँ यू नो ये कहानी के लिए मैं 2 साल दुख झेलने के लिए तैयार हूँ. बिकॉज इट्स अ पेन टू मेक अ फिल्म एंड टू गो थ्रू दैट आर्टिस्ट जर्नी इज वेरी वेरी पेनफुल. और बहुत उसमें आपका यू नो खून पसीना दिल सब कुछ उसमें लग जाता है. तो वो कहानी अपने आप आपको खींच लेती है कि हाँ. तो जैसे बहुत फिल्मों में हुआ, जैसे ब्लू अम्ब्रेला में हुआ, या मैकबेथ जब हम लोग मकबूल कर रहे थे तब हुआ, हैदर में हुआ, और तो या वो हर फिल्म में हुआ वो. पर वो उस मोमेंट में पहुंचने के लिए वो अंदर से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बनाए बिना अब मुझे चैन नहीं पड़ेगा. ओके, सो वो आपका आ जाता है कि आई विल बी स्लीपलेस, आई विल बी रेस्टलेस इफ आई डोंट से दिस स्टोरी. ऑलराइट, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट आई वाज गोना आस्क यू नेक्स्ट, कि आप हर फिल्म में यू डॉन मल्टीपल हैट्स, देयर इज म्यूजिक, देयर इज राइटिंग, देयर इज डायरेक्शन, एंड देयर इज परफेक्शन इन ईच ऑफ दोस थिंग्स. Even the adaptations that you do in Khufiya, did you strive for that sort of perfection, or were you more spontaneous this time about it? I think spontaneous होने के लिए भी आपको एक बहुत तैयारी करनी पड़ती है. और वो spontaneity का मतलब ही तब है जब आपने इतना काम कर लिया हो कि you can be spontaneous. अगर वो काम नहीं किया, जैसे बहुत actors जैसे होते हैं, जैसे टब्बू हैं या नसीर भाई हैं, ये लोग जब काम करके आते हैं वहाँ पे सेट के ऊपर, जब सीन करने लगते हैं, तो जो तैयारी है वो फिर रह जाती है. एंड दे लुक, दैट्स व्हाई दोज मैजिकल मोमेंट्स हैपन विद दोज काइंड ऑफ एक्टर्स, कि जहाँ पर उसके लिए एक बेसिक होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर वो होमवर्क ही पूरा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली मैं तो पूरे सीन हम लोगों ने चेंज किए हैं सेट के ऊपर. और हमेशा हर फिल्म में ये होता है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो आप तैयारी करके गए हैं कि आज सब सही होगा, तो वो कभी भी सही नहीं होता है. जो गाड़ी चलने वाली होती है, जिसकी रोज़ टेस्ट होता है, जिस दिन वो एक्टर को चलाने होती है वो गाड़ी बंद हो जाती है, वो चलेगी नहीं, वो बंद हो गई. सो इस तरह की चीज़ें होती हैं. अब कोई आने वाला था वो आया नहीं, तो इस फिल्म में भी वो हुआ है. शॉट्स के बीच में मतलब कैरेक्टर्स चेंज करने पड़े हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं. तो आई थिंक वो स्पॉन्टेनिटी आ ही तब सकती है जब आपका अपना पूरी तैयारी आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे यू कैन अफोर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस. बिकॉज इज स्पॉन्टेनिटी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पॉन्टेनियस होने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू विल मेक ए रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज एंड यू गो बैक एंड रियलाइज कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में. क्या बात है. देखिए सर, आज यहाँ पे हमारे बहुत से मीडिया के दोस्त बैठे हैं, और जैसे ही पता चला आप लोग हैं यहाँ पे, तो उन्होंने ढेर सारे सवाल जो है भेजने शुरू किए हैं. और पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा विशाल सर और तबू मैम, आप दोनों के लिए. ये आया है नवीन कुमार फ्रॉम E24 न्यूज़. ये कह रहे हैं, यू एंड तबू मैम ऑलवेज क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस? मुझे भी फिल्म तो बना नहीं रहा, वैसे ही है मुझे इनसे बड़ा प्यार, पर ये है ये प्यार. मैम आप क्या कहना चाहेंगी? इससे सही आंसर आई डोंट थिंक हो सकता है, इट्स ओनली लव. क्या बात. The next question is for Tabu Man from Suchin Mehrotra from Hindustan Times, and the question is,
What is the process of choosing your films, and what kind of scripts draw you apart from the ones that Vishal sir makes? Scripts that have relevance for me to be doing it. Interesting character होना चाहिए. मतलब वो कहानी में उसका क्या मतलब है, वो कैसे फिट होती है, वो क्या कर रही है, यू नो, ये सब चीज़ें. प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्टर कौन है, और मुझे कैरेक्टर समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं. तो हाँ, आई थिंक हर फिल्म के साथ फैक्टर्स ऊपर नीचे होते हैं. समटाइम्स यू जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद दैट पर्टिक्युलर डायरेक्टर, समटाइम्स यू वॉन्ट टू वर्क विद दैट पर्टिक्युलर को एक्टर, एंड समटाइम्स द रोल इज सो डिफरेंट. और ऐसा होता है कि मैंने कभी नहीं किया है ये, तो वो तो पहला फैक्टर होता है कि दैट विल ऑलवेज यू नो ड्रॉ माई अटेंशन. इट्स आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, आई मस्ट डू इट बिकॉज फॉर द एक्सपीरियंस दैट इट विल जस्ट हेल्प मी ग्रो इन माई क्राफ्ट एंड माई वर्क. तो या ऑल राइट. वैसे अगला सवाल विशाल सर आपके लिए है. ये मोनिका यादव है बॉलीवुड हंगामा से, एंड ये कह रहे हैं यू डू एवरीथिंग फ्रॉम डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, म्यूजिक डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग. व्हेन आर यू प्लानिंग टू एक्ट इन वन ऑफ योर फिल्म्स? ये इंटरेस्टिंग है सर. आई एम वेरी बैड एक्टर, यू नो, जैसे होता है ना जी, तो मेरी हंसी भी एकदम फ्रीज हो जाती है. आई स्टार्ट लुकिंग लाइक ए स्टूपिड पर्सन. सो आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी विटी, आई एम वेरी यू नो एजी बिहाइंड द कैमरा, बट एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू नो आई एम वेरी वेरी बैड. अच्छा, आप बिल्कुल मतलब घबरा जाते हैं कैमरे के आगे आते? मैंने कभी नहीं देखा इनको कैमरे के सामने. ये बात मुझे अपने बारे में मालूम है, इसलिए अपने बारे में ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं. तो फिर आप बेवकूफ नहीं रह जाते. ये बात मनीष तुम में और मुझ में रह गया. सर ने ये बात वैसे मुझे देख के दो बार एम्फसिस करी. कोई नहीं, अगला सवाल. The next question is for Tabu ma'am from Rohit Khilnani from Bollywood Hangama. और एक क्वेश्चन है कि one tip for actors who are yet to work with Vishal ji. ये प्लीज हमें प्लीज बताइए, हम जरा जानना चाहते हैं. हाँ, हमारे बहुत जरूरी है. उर्दू ठीक कर गया ना, नुक्ते लगाना. बस और नुक्ते पे जरा काम करते हुए हम लोग डेफिनेटली सर आपके पास आना चाहेंगे. पर फिलहाल आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लगा. एक बार जोरदार तालियां हो जाए और विशाल सर. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस. थैंक यू फॉर वाचिंग द प्रोमो. हम लोग वेट कर रहे हैं मैम, अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी है. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. लेकिन इससे पहले आप लोग जाए एक फोटो ऑफ. एवरीबॉडी इज वांटिंग टू टेक द पिक्चर विद माइक विदाउट माइक. हां, विद माइक विदाउट माइक. ये माइक आप इन्हें दे दीजिए.